नमस्कार दोस्तों, टेक्निकलिटी बॉस चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो के अंदर जानेंगे रिटर्न फाइल करने के बारे में कि क्या हमें रिटर्न फाइल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या हम बैंक ऑफ बड़ौदा का सीएसपी हो यानी किसी बैंक का सीएसपी आप चलाते हैं, क्योस बैंक चलाते हैं, या फिर आप सीएससी का काम करते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर का काम करते हैं, और यानी अदर आप किसी कोई सा भी वर्क करते हैं, तो क्या उसमें हमें रिटर्न फाइल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और उसका क्या फायदा है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक टेक्निकलिटी बॉस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन पे प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि बेल नोटिफिकेशन प्रेस करने के बाद ही हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। और तो जो हमारे हीटर लोग हैं, वो हीटर लोग को मैं साफ यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल को छोड़ के जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले चलते हैं अपना, देखिए ये मेरा टीडीएस जो कटता है उसका मैं ई फिलिंग के वेबसाइट पे आ गया हूँ। ये ऐसे ई फिलिंग का वेबसाइट यहाँ है, और यहाँ से हमें रिडायरेक्ट होके अगर ई फिलिंग देखना होता है कि हमें कितना पैसा कटा है, तो हम यहाँ पे आके देखते हैं। तो इसके लिए मैंने भी एक पहले वीडियो बना दिया है कि कैसे अपना पैन अकाउंट चेक करें, कितना हमारा पैन अकाउंट में टीडीएस कट चुका है तो इसको हम कैसे चेक करें, तो वो वीडियो हमारे इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा, वो वीडियो जिसको आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं कि हमें ई फिलिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो जैसे देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे ये जो मैं बैंक चलाता हूँ, ग्राहक सेवा केंद्र चलाता हूँ, तो उसमें जो हमारा कमीशन मिलता है उसमें 1% टीडीएस कट जाता है। तो वो चीज जो हमारा है यहाँ पैन अकाउंट में आ जाता है, जिसको हम रिटर्न फाइल करके हम यहाँ से निकाल सकते हैं। वहीं पे दूसरी बात, यहाँ पे देखिए सीएससी ई गवर्नमेंट सर्विस, अगर सीएससी का हम कोई भी वर्क करते हैं जिसमें ट्रांजैक्शन हो, पैसा लेन देन हो, वहां पे भी हमारा टीडीएस कट के और यहाँ पे पैन अकाउंट में आ जाता है। और एनीवाइज कोई भी सर्विस करते हैं दोस्तों, आपको जिसमें पैसा का लेन देन होता है, पैन अकाउंट उसमें डला होता है, तो वहां से भी आपको टीडीएस कट के और आपके पैन अकाउंट में चला जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे मैं तीसरा नंबर पे है 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड, ये मेरे को पता नहीं है कि 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड क्या है, मैंने इसमें क्या वर्क किया था जिसका हमें, तो यहाँ पे आप अमाउंट पेड दिख रहे हैं ₹30 और ₹110, तो यहाँ पे भी इसका टीडीएस कटा है जो कि हमारा है ₹16 का, यहाँ पे टीडीएस कट चुका है। तो इस तरह से बहुत सारे होते हैं दोस्तों कि जो हमें पता नहीं रहता है और हमारे वो टीडीएस कट के पैन अकाउंट में ऐड हो जाता है। तो दोस्तों अब बात आती है कि क्या हमें ई फिलिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों आप देखिए यहाँ पे सीधी सी बात क्या है कि जो अगर आप ई फिलिंग करते हैं, आपके पास कोई इनकम नहीं है, आपके पैन अकाउंट में कोई भी ₹1 भी नहीं आया है, लेकिन फिर भी आपको ई फिलिंग करने से आप जो है जो सेफ रहते हैं। अगर कभी भी सबसे पहले लोन का बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होता है कि हमें लोन चाहिए, तो लोन के लिए सबसे पहला जो प्रोसेस होता है दोस्तों, उसमें होता है ई फिलिंग कि आप रिटर्न फाइल करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर आपका यहाँ पे ₹1 भी टैक्स नहीं कटता है तो जो है आप रिटर्न फाइल अगर करते हैं, ₹2.5 तक इसमें लिमिट है, ₹2.5 तक अगर रिटर्न करते हैं तो वहां पे आपको कुछ कोई दिक्कत नहीं होता है। तो अगर आप ₹2.5 में करते हैं रिटर्न फाइल, तो आपको कभी ना कभी अगर जब लोन का आवश्यकता पड़ेगा तो आप यहाँ बहुत इजी आप किसी भी बैंक से लोन ले सकते हैं। और दोस्तों अब दूसरी बात कर लेते हैं कि जिनका थोड़ा सा पैसा का टर्नओवर ज्यादा है, जैसे महीना में 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 इस तरह से टर्नओवर है, तो उनको बिल्कुल 100% एकदम ई फिलिंग करना चाहिए। तो उसमें रीजन क्या हो जाता है कि अगर आपका कभी बाय चांस से पैसे का कुछ गड़बड़ी हो जाता है, जैसे आप जानते हैं कि बहुत ज्यादा पैसा मतलब लेके जाना इधर उधर कैसे अगर है तो छीन लेना, ये करना वो करना, ये बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाता है, तो वहां पे जो है कि अगर आप किसी प्रकार का अगर FIR या थाना में किसी प्रकार का अगर कंप्लेन करते हैं तो वो ITI को आपको पता चलेगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, कि इतना का पैसा इसका लूट हो गया या चोरी हो गया, तो वहां पे आपको रिटर्न मांगा जाएगा कि आप रिटर्न करते थे। अगर आप रिटर्न करते हैं तो वहां पे आपको पैसा सेफ हो जाता है, आपको वहां पे कहीं दिक्कत आने वाली नहीं है। अगर आप नहीं फाइल करते हैं तो उस समय अगर आप ₹5,00,000 दिखाइएगा कि ₹5,00,000 का मेरा चोरी हो गया है, तो वहां पे आपको इनकम टैक्स रिटर्न के तरफ से
दिक्कत हो जाएगा कि आपके पास इतना का टर्नओवर है, आप रिटर्न क्यों नहीं करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कुल मिला के बातें आती है कि इंडिया का कोई सा भी नागरिक हो उसको रिटर्न फाइल करना चाहिए। और वही बात कर लेते हैं दोस्तों कि रिटर्न फाइल करने का में कितना हमें खर्च होता है, तो कोई इसमें खर्च नहीं होता है दोस्तों, मात्र 350-400 रुपया लगता है, जो कि आप अपने खुद से कर सकते भी हैं, और नहीं तो आप कॉमन सर्विस सेंटर अगर चलाते हैं तो आपको पता ही होगा, और अगर बैंक ऑफ बड़ौदा या CSP आप चलाते हैं तो कॉमन सर्विस सेंटर वाले के पास जाकर करवा लीजिए, बहुत ईजी है दोस्तों। तो ये जानकारी आपको कैसा लगा, मेरे ख्याल से महत्वपूर्ण कुछ जानकारियां था, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर किया। तो अगर वीडियो अच्छा हमारा लगता है दोस्तों, अगर कहीं पे भी आपको एक पॉइंट में इसमें अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक करें ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोग देख पाए। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।